हेलो माय डियर फ्रेंड्स दिस इज सुब्रत प्रधान एंड आई वेलकम यू ऑल टू सेशन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिस सेट ऑफ क्लास फाइव मैथमेटिक्स इन नेशनल अचीवमेंट सर्वे नेस आप लोग इसके बारे में सुने होंगे कि एक नैस टेस्ट हो रहा है जिसमें आपको आपके क्लास के लेवल के कुछ क्वेश्चन हैं जो सब्जेक्ट वाइज आने वाले हैं तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन क्लास फाइव मैथ्स का सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास न सी हर विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर थर्टी वन ओके क्वेश्चन थर्टी वन फर्स्ट यूनिट टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली बच्चों पहले आप थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए होंगे चार ऑप्शन मल्टीपल चोस क्वेश्चन आएंगे आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर ऑप्शन में से ढूंढना है आपको तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है From your home, school is one kilometer, hospital is eight fifty nine meters and market is one hundred one thousand ten meters. Which one is the farthest? Farthest मतलब दूर कौन सा सबसे ज़्यादा दूर में है तो देखिए फर्स्ट वन लिखा है वन किलोमीटर देन एन एट फिफ्टी नाइन ध्यान से देखिए पहला लिखा है वन किलोमीटर देन एट फिफ्टी नाइन मीटर देन वन थाउजेंड टेन मीटर ठीक है तो सबसे दूर कौन सा है बताइए कौन सा यानी ये कितना है 1000 meter. अब आप comparison कर सकते हैं ट इज वन थाउजेंड टेन तो आंसर yes. तो होगा मार्केट यानी थर्टी वन का आंसर होगा दैट इज मार्केट सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द आंसर कम टू द नेक्स्ट वन थर्टी टू देखिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्लॉक के ऊपर लुक एट दिस क्लॉक व्हाट वाज द टाइम शोन बाय द क्लॉक आवर बिफोर नाउ अभी आप देखिए कि क्लॉक में कौन सा टाइम शो कर रहा है ध्यान से देखिए क्लॉक जो है देखिए टेन से क्रॉस कर चुका थोड़ा सा क्रॉस किया एंड दो मिनिट है वो है थ्री पर यानी फाइव 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 करेंगे तो फिफ्टीन मिनट्स होगा अभी टाइम क्या है नाउ द प्रेजेंट टाइम इज टेन फिफ्टीन बट द क्वेश्चन इज वट वॉज द टाइम शोन इन द क्लॉक बिफोर वन आवर वन आवर पहले क्या होगा तो इसके एक घंटे पहले क्या होगा टाइम नाइन फिफ्टीन इट्स वेरी इजी नाइन फिफ्टीन सो द ऑप्शन अब देखिए कौन से क्लॉक uh, में नाइन फिफ्टीन टाइम हुआ है ए में देखिए तो इलेवन ओ क्लॉक है बी में देखिए नाइन फिफ्टीन है सो द आंसर ऑफ थर्टी टू इज बी ओके द टाइम इज नाइन फिफ्टीन ठीक है ओके कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Question question 30, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री अ बाईसाइकिल हैज टू व्हील्स एंड अ ट्राई साइकिल हैज थ्री व्हील्स ये सबको पता है बाईसाइकिल के दो व्हील होते हैं एंड ट्राईसाइकिल के थ्री व्हील्स होते हैं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स इन थ्री बाईसाइकिल एंड टू ट्राई साइकिल सो थ्री क्या क्वेश्चन क्या है थ्री बाईसाइकिल में कितना व्हील है थ्री बाईसाइकिल थ्री बाईसाइकिल में कितना व्हील्स है और उसमें है ठीक है कितना होंगे एक बाईसाइकिल में टू होता है सो थ्री टू जर सिक्स एंड टू ट्राई साइकिल टी सी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में सो so, ये हो जाएगा टू थ्री जर सिक्स टोटल हो गया सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व व्हील्स आर देयर तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इट इज डी थर्टी थ्री के लिए ऑप्शन है डी इज करेक्ट आंसर द आंसर विल बी ट्वेल्व ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट वन थर्टी फोर फॉर गिवन रेट्स ऑफ टोमेटोस एंड पोटैटोज पर के जी वट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ टू एंड हाफ के जी ऑफ टोमैटो एंड वन एंड हाफ के जी ऑफ पोटैटो यहाँ देखिए फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया फ्रैक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी एक दो वीडियो बना चुका हूँ ठीक है टेंस एंड हंड्रेड चैप्टर में पार्ट्स एंड होल का वो अगर वीडियो आप नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और वीडियोज के बारे में जिसमें हाफ क्वार्टर एक नंबर का फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताया गया है डिटेल में तो यहां देखिए अगर वो जानते हैं तो अभी ये क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं वरना आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्वेश्चन क्या देखिए थर्टी फोर में कि हमें देखिए यहां टोमेटो और पोटेटो के वन के का प्राइस दिया गया है हमें निकालना है टू एंड हाफ के जी ऑफ टोमेटो तो हम कोशिश करेंगे कितने ईजी तरीके से हम निकाल सकते हैं अब देखिए यहां पर टू एंड हाफ के जी टोमेटो हमें निकालना है एक के का प्राइस कितना है एटीन रुपीज रुपीज एटीन ठीक है So, हमें तो हमें निकालना है टू एंड हाफ़ के जी ऑफ टोमेटो तो देखिए यहाँ सिंपल करेंगे तो एटीन के जी वन के जी का प्राइस है एटीन सो टू के जी का हो गया कितना एटीन प्लस एटीन इक्वल टू थर्टी सिक्स हाफ़ के जी का होगा हाफ के जी का कितना होगा ये टू के जी का है हाफ के जी का उसका नाइन इक्वल टू नाइन ऐड कर दीजिए ये फाइव हो गया एंड फोर ये हो गया टू एंड हाफ के जी टोमेटो का प्राइस रुपीज़ फोर्टी फाइव हमने कैसे किए पहले टू के जी का निकाल दिया वन के जी से टू मल्टीप्लाई करके या फिर दो बार ऐड करके देन उसका हाफ़ निकाल दिया नाइन के जी नाइन रुपीज टोटल हो गया फोर्टी फाइव रुपीज़ एक इसका कॉस्ट ऑफ टोमेटो का अभी हमें क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ पोटैटो उसका क्या वन के जी का, का प्राइस कितना है प्राइस ऑफ वन के जी इक्वल टू थर्टीन रुपीज़ थर्टीन रुपीज थर्टीन पर के जी अभी हमें निकालना है वन एंड हाफ के जी वन एंड हाफ के जी वन के जी का है थर्टीन प्लस हाफ के जी का होगा थर्टीन का हाफ हाफ ऑफ थर्टीन यानी सिक्स एंड हाफ़ तो आप सिक्स पॉइंट फाइव लिख सकते हैं इक्वल टू अब ऐड करिए होल नंबर को होल नंबर के साथ फ्रैक्शन डेसिमल डेसिम्बल ही रहेगा थर्टीन प्लस सिक्स नाइनटीन पॉइंट फाइव मतलब रुपीज़ नाइनटीन पॉइंट फाइव हो गया अभी क्वेश्चन क्या था टोटल प्राइस ऑफ टोमेटो एंड पोटेटो तो दोनों को अभी आपको ऐड करना है यानी फोर्टी फाइव प्लस नाइन्टीन पॉइंट फाइव नाइन्टीन पॉइंट फाइव का मतलब है नाइनटीन एंड हाफ एड करिए ये देखिए पॉइंट फाइव तो पॉइंट फाइव रहेगा क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है कुछ नहीं है मतलब पॉइंट जीरो है ठीक है नाइन फाइव फोर्टीन फोर आ गया ऊपर गया वन फोर वन फाइव प्लस वन सिक्स सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव रुपीज कहाँ है ऑप्शन देखिए यहां पर आपको एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव जीरो यानी वही सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव सो ऑप्शन डी इज करेक्ट तो देखिए बच्चों ये एक तरीका है आप निकाल सकते हैं टू के का फिर हाफ कीजिएगा जी का वन के फिर हाफ कीजिएगा इसका एक और भी इजी तरीका है आप यूज कर सकते हैं इसके लिए सेम नंबर के लिए मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखिए वो भी आप कर सकते हैं ये देखिए मिक्सड फ्रैक्शन दिया गया है यहाँ आप ध्यान दीजिए मिक्सड फ्रैक्शन दिया गया है वन के जी टोमेटो का कॉस्ट है एटीन रुपीस एटीन ठीक है तो हमें निकालना है टू एंड हाफ के जी का टू एंड हाफ के जी को देखिए ये जो मिक्सड में दिया गया इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये हो गया टू एंड हाफ के जी इक्वल टू कैसे करते हैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं टू टू जर फोर प्लस वन फाइव बाय टू मैं आपको दिखा रहा हूँ इजीली समझ में आएगा टू इन टू प्लस वन बाय टू इक्वल टू हो गया टू टू जेर फोर प्लस वन फाइव बाय टू के जी अभी फाइव बाई टू के जी निकाल देंगे उसका प्राइस डायरेक्टली हम एटीन से मल्टीप्लाई कर लेंगे ठीक है सो प्राइस ऑफ फाइव बाई टू के जी इक्वल टू एटीन मल्टीप्लाइंग बाय फाइव बाई टू तो ये हो गया टू नाइन सर एटी नाइन फाइव सर फोटी फाइव ये फोर्टी फाइव हो गया हम यहाँ पर क्या किए डायरेक्टली हम इसको इम्प्रोपर में उसको एक के के साथ मल्टीप्लाई कर दिए नेक्स्ट वन देखिए वन के पोटैटो का क्या है इक्वल टू थर्टीन रुपीज़ थर्टीन सो वन एंड वन एंड हाफ़ के जी इक्वल टू कितना होगा वन एंड हाफ के जी को कन्वर्ट करिए इम्प्रोपर में क्या होगा टू इंटू वन प्लस वन बाय टू ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं मैंने बताया है मिक्स फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर करते हैं इम्प्रॉपर को कैसे मिक्स करते हैं वो भी आप देख सकते हैं वो वीडियो वो आपको चैनल प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा तो ये हो गया टू वन 2 टू प्लस वन थ्री थ्री बाय टू के जी मतलब इसका मतलब है थ्री बाय टू के जी तो अभी प्राइस निकालते हैं थ्री बाय टू के जी का थ्री बाय टू के जी इक्वल्स टू उसका प्राइस कितना होगा प्राइस ऑफ थ्री बाय टू थ्री बाय टू मल्टीप्लाइंग थर्टीन ठीक है तो यहाँ पर देखिए थर्ट हाँ तो ये डिवाइड डिवाइड नहीं होगा मल्टीप्लाई करिए थर्टीन थ्री सर थर्टीन नाइन बाई टू ये होगा आपका नाइनटीन पॉइंट फाइव अब देखिए दोनों को फिर हम ऐड करेंगे तो आंसर वही हमारा सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव जीरो आ जाएगा ये दोनों को ऐड कर दीजिए मैं सॉरी मैं मल्टीप्लाई बोल दिया ये ऐड कर दीजिए दोनों को फोर्टी फाइव एंड नाइन्टीन पॉइंट फाइव तो दोनों में से जो तरीका आपको पसंद है वो कर सकते हैं ठीक है आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं या फिर उनको इंप्रॉपर में कन्वर्ट करके यू कैन फाइंड द आंसर ओके सो ये हो गया नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव में आएंगे अभी देखिए थर्टी फाइव अभी क्या है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है देर आर हंड्रेड ट्रीज इन अ गार्डन ऑफ दैम वन फिफ्थ आर मैंगो ट्रीज हाउ मेनी अदर ट्रीज आर देयर देर आर हंड्रेड ट्रीज याद रखिए हंड्रेड ट्रीज है टोटल है हंड्रेड ट्रीज वन कितना है वन फिफ्थ आर मैंगो ओके वन फिफ्थ आर मैंगो ट्री हाउ मेनी अदर ट्रीज सर दिया मतलब हंड्रेड के वन फिफ्थ जो है मैंगो तो मैंगो कितने हैं मैंगो इज इक्वल टू हंड्रेड का हम वन फिफ्थ निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया फाइव टू जर टेन जीरो सो ट्वेंटी ट्रीज आर मैंगो ट्रीज तो कितने बच्चे ऑर्डर ट्री कितने होंगे होंगे हंड्रेड माइनस ट्वेंटी डिफरेंट ट्रीज एंड सी विल बी द देंटी फाइव सी देखिए मैं बहुत ही लेंथी प्रोसेस में वर्ड प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा हूं जितना हो सके शॉर्टकट में कर रहा हूं ताकि आप एग्जाम में भी इजीली शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है आपको रफ वर्क में ये सब करना है कैलकुलेशन बस आपको एमसीक्यू आंसर ढूंढना है ठीक है so here the answer is C trees trees are there different other trees. now next six question. question number thirty six देखिए क्या है which alphabets shows right angle इनमें से कौन सा देखिए अल्फाबेट राइट एंगल शो कर रहा है ई देखिए क्या ई में राइट एंगल है हाँ ये तो साफ साफ दिख रहा है ये सब राइट एंगल है ये 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 हो गया ये हो गया लेकिन देखिए बाकी जितने भी है के इसमें आपको राइट right एंगल नहीं मिलेगा Z में नहीं मिलेगा ये सब एक्यूट एंगल है ये भी एक्यूट है ये भी ठीक है ना एन आपको अभी एन में एन में भी राइट right एंगल नहीं मिलेगा सो ई इज द आंसर इन द लेटर ई विल फाइंड राइट एंगल्स तो इसमें आंसर हो जाएगा ए थर्टी सिक्स का आंसर होगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बहुत जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ठीक है थोड़ा ध्यान से देखिए फिर थोड़ा प्रैक्टिस करिए यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजिली थर्टी सेवन क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन दे वेर फाइव डग्स इन अ पॉन्ड फोर फ्ल्यू अवे वाट फ्रैक्शन ऑफ द डग्स वॉज लेफ्ट क्वेश्चन क्या देखिए देयर आर वेर फाइव डग इन अ पॉन्ड टोटल पांच बतख थे वहां पर ठीक है फाइव डग्स ध्यान रखिए फाइव डग्स क्वेश्चन देखते रहिए यहाँ आंसर देखते रहिए फोर फ्ल्यू अवे फोर फ्ल्यू अवे सो वाइट फ्रैक्शन ऑफ द डॉक्स वॉज लेफ्ट कितने लेफ्ट कितने हो गए कितने फ्रैक्शन ठीक है देखिए फाइव डग थे चार चले गए तो कितने बज गए एक ही बज गया कितने में से आउट ऑफ फाइव इज वेरी सिंपल सो वन बाय फिफ्थ डग लेफ्ट बहुत सिंपल है आंसर दो आंसर इज बी थर्टी सेवन दो आंसर इज बी वन फिफ्थ डग आर लेफ्ट ठीक है ना आपको फ्रैक्शन में बताना है वन डग बज गया टोटल फाइव में से तो वन फिफ्थ है ठीक है नाउ माइडियर स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी एर्टी एट यू बाय नाइन चेयर्स एंड ऑल द चेयर हैव द सेम प्राइस यू स्पेन अ टोटल ऑफ रुपीज सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फाइव वाट इज द कॉस्ट ऑफ़ ईच चेयर देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये आप पहले से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे क्या है नाइन चेयर्स का प्राइस यहाँ दिया गया नाइन यू बर्ड नाइन चेयर्स आपने कितना सारे चेयर का प्राइस सेम है ठीक है तो यहाँ में इजी हो जाता है एंड यू स्पेंड अ टोटल ऑफ सेवन सिक्स जीरो फाइव नाइन चेयर्स का प्राइस है रुपीज सेवन सिक्स जीरो फाइव सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फाइव है एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर ईच चेयर का कॉस्ट कितना है मतलब यूनिट प्राइस पूछा है ज्यादा सामान का प्राइस दिया गया है एक का पूछा क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे ठीक है सो यहां ईच चेयर का प्राइस हो जाएगा सेवन सिक्स जीरो फाइव डिवाइडेड बाय नाइन आप इसको डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं या फिर लिख के भी कर सकते हैं ऐसे कर लेते हैं देखते हैं नाइन नाइन एट सेवेंटी टू फोर लेफ्ट हुआ अब देखिए यहां पर भी देखिए बच्चों क्या है आप आधार निकाल के भी चारों जो ऑप्शन देखिए दिया गया आप उसमें से चूज कर सकते हैं अभी देखिए चार उसमें ऑप्शन है एबीसीडी वाला वाला एट फोर फाइव एट फाइव फोर सेवन फाइव नाइन सिक्स है तो देखिए ये एट आ चुका है यानी नीचे का दो नहीं होगा ठीक है यहाँ अभी डिवाइड कर लेते हैं नाइन एट सर सेवेंटी टू चार बज गया फोर्टी यानी नाइन फोर सर फोर्टी थर्टी सिक्स ठीक है अभी देखिए एट फोर आ चुका है यानी आंसर ए हो जाएगा दिख रहा है साफ साफ एट फोर फाइव थोड़ा आगे फिर भी ले लेते हैं यहां बच गया फोर्टी फाइव तो आंसर आ गया एट हंड्रेड फोर्टी फाइव तो ऐसे आधा से भी आप निकाल के टाइम अपनी बचा सकते हैं लेकिन बी श्योर कि आप ठीक से कर रहे हैं ठीक है ना सो आंसर एट फोर्टी फाइव एंड इज ए एट का आंसर है ए एट फोर्टी फाइव द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज एट हंड्रेड फोर्टी फाइव रुपीज चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ थर्टी नाइन विच इज मोर नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन सेंटीमीटर और टेन मीटर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन सेंटीमीटर और टेन मीटर दोनों में से कौन सा जो है वन इज मोर कौन सा ज्यादा है देखिए जब भी ऐसे सवाल आएगा बच्चों एक चीज याद रखना आपको दोनों का यूनिट को आपको सेम करना है अगर आप दोनों की यूनिट को सेम कर देंगे तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे यहां देखिए सेंटीमीटर है तो इसको हम सेंटीमीटर कर लेते हैं टेन मीटर है वन मीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ता है यू नो वन मीटर इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर यानी टेन मीटर इक्वल टू टेन टेन मल्टीप्लाइंग बाई हंड्रेड सेंटीमीटर विच इज वन थाउजेंड सेंटीमीटर टेन मीटर इक्वल्स टू वन थाउजेंड सेंटीमीटर अभी कॉम्पेयर इजली करिए कौन सा बड़ा है थाउजेंड या फिर ट्रिपल नाइन ऑब्वियसली थाउजेंड सो टेन मीटर इज मोर यहां देखिए आंसर लिखा गया थर्टी थर्टी नाइन में देखिए चार देखिए ऑप्शन है ध्यान से आप देखिए एक में है नाइन हंड्रेडी नाइन सेंटीमीटर दूसरा है टेन मीटर दे आर इक्वल कैन नॉट सी तो कौन सा होगा इक्वल तो है नहीं कांड से भी नहीं है क्योंकि हमको पता है सो आंसर इज टेन मीटर दैट इज बी थर्टी नाइन का आंसर हो गया आपका बी ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी थोड़ा देखते रहिए क्वेश्चन में क्या है कीप रीडिंग द क्वेश्चन फोर्टी में क्या है देखिए बहुत ही एक मज़ेदार सवाल है यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं आपको थोड़ा सा इसमें जो डेटा जो है उसको आपको डिकोड करना है ज्यूरिंग समर वैकेशन अनू रेड फिफ्टी पेजेस सोनू रेड सेवेंटी फाइव पेजेस मोनू रेड थर्टी फाइव पेजेस हरी रेड थर्टी पेजेस एंड रोमी रेड सिक्सटी फाइव पेजेस अब देखिए कुछ देखिए पिक्चर्स दिया गया नीचे अनु पेजेस रेड वहाँ देखिए हर बच्चों के साइड पर कुछ बुक्स का वहाँ पिक्चर दिया गया है और आ, कौन कितना पढ़ा है वहाँ दिया गया है तो आप देखिए यहां पर आप थोड़ा देख के पहले कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है लेकिन देखिए बहुत सिंपल चीज यहां पर इसमें देखिए अनु कितना पेजेस पढ़ा है अनु का है फिफ्टी पेजेस तो फिफ्टी पेजेस अगर अनु पढ़ा है तो उसके लिए कितना बुक्स देखिए सिंबल यूज किया गया वन टू थ्री फोर फाइव अनु के लिए फाइव बुक का सिंबल यूज किया गया यानी एक बुक का कितना हो गया बताइए एक बुक का जो है ये कितना हो गया वन बुक इक्वल टू फाइव बुक का फिफ्टी पेजेस यानी वन बुक का टेन पेजेस यानी अगर एक बुक है उसका मतलब हो गया टेन पेजेस ठीक है ना एक बुक का मतलब टेन पेजेस हम सिंबल यूज कर रहे हैं टेन पेजेस के बदले एक बुक को हम दिखा रहे दिखा गया वहां पर वो आपको डिकोड करना है वहां कहीं लिखा नहीं गया कि वन बुक इक्वल्स टू टेन पेजेस वो आपको खुद ढूंढना है यही तो है ठीक है नेक्स्ट वन देखिए सोनू का क्या है सोनू का था सेवनटी फाइव पेजेस वहां कैसे फाइव को कैसे करेंगे देखिए वन टू तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है वहां देखिए आधा बुक है आधा बुक है यानी इक्वल टू फाइव पेजेस अगर हाफ बुक है तो वो फाइव पेजेस है तो आप क्वेश्चन पूछा रोमी का कितना होगा क्या होगा रोमी का बताइए अभी रोमी कितने पेजेस पढ़ा था वो रोमी रेड सिक्सटी फाइव 65 सिक्सटी फाइव पेजेस यानी कितने बुक्स होंगे पूरा पूरा बुक्स छः बुक्स होंगे सिक्स बुक्स सिक्स एंड हाफ बुक्स जहां पर देखिए सिक्स एंड हाफ बुक्स होगा वो होगा आपका आंसर नीचे देखिए चार ऑप्शन है ए में कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड हाफ यस ए इज द करेक्ट आंसर सो फोर्टी का बच्चों आंसर होगा ए उस जहां पर देखिए सिक्स एंड हाफ बुक्स है क्योंकि सिक्स का हो गया सिक्सटी हाफ बुक्स हो गया फाइव इक्वल टू सिक्सटी फाइव पेजेस दिस वे यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन ठीक है आई होप कि आपको समझ में आ रहा है अब चलते आगे कुछ और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन देखिए फोर्टी वन क्या है विच नंबर विल कंप्लीट द इक्वलेंट फ्रैक्शन बहुत बढ़िया देखिए यहां क्वेश्चन क्या है इक्वलेंट फ्रैक्शन वन बाय टू इक्वल टू टू बाय फोर इक्वल टू थ्री बाय सिक्स इक्वल्स टू फोर बाय एट जगह यहां पर फाइव बाय टेन इक्वल्स टू थर्टी सिक्स बाय क्वेश्चन मार्क आ गया तो कौन सा नंबर यहां डालेंगे तो ये इक्वल फ्रैक्शन सही होगा यहां पर आप देखिए पैटर्न जैसे लग रहा है आपको क्वेलन में क्या होता है हम ऊपर जितना मल्टीप्लाई करते हैं नीचे भी उतना ही मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है तो देखिए वन है तो ऊपर थ्री है तो, है, है तो, है, है तो सिक्स है ठीक है यहां थर्टी सिक्स है तो नीचे कितना होगा थर्टी सिक्स मल्टीप्लाइन बाई टू इक्वल टू सेवेंटी टू वेरी सिंपल जितना ऊपर डबल उस, नीचे है ये इस तरीके से, निकाल से 72 या फिर एक और है आप देखिए वन बाई टू है तो देखिए ये और ये दोनों इक्वलेंट है वन बाय टू इक्वल टू थर्टी सिक्स बाय डेस आप ऐसे भी कर सकते वन में देखिए थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई होके थर्टी सिक्स आया कितना मल्टीप्ला हुआ थर्टी सिक्स तो नीचे भी थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई होगा सो टू से थर्टी सिक्स कर दीजिए तो ये भी आ जाएगा सेवनटी टू सो आंसर इज सेवनटी टू एंड द ऑप्शन इज क्या डी द ऑप्शन इज डी वहाँ आपको ये सबसे जरूरी है आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे अगर ठीक से आपको एम आर शीट में आप आंसर नहीं भरेंगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको देखना है ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है उसी ऑप्शन को जाके वहां पर वो डार्कन करना है वो सर्कल को ठीक है शीट में तो इसका आंसर हो गया डी फोर्टी वन का डी नाउ नेक्स्ट वन फोर्टी टू विच टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ टॉन्ग्स ये तो बहुत सिंपल है इस टाइप का शेप जो है देखिए ये इस टाइप का शेप है तो ये कौन सा एंगल है इट इज एक्यूट एंगल इससे अगर बड़ा होता तो ये ऑप्टिवस होता ऐसे पूरा होता तो ये स्ट्रेट एंगल होता आपको पता ये angle, ये ये है ये स्ट्रेट एंगल ये ऑप्टिश एंगल और ये एक्यूट एंगल बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये एंड द ऑप्शन इज 42 का सी ऑप्शन इज सी सी इज द करेक्ट आंसर इट इज एन एक्यूट एंगल नेक्स्ट वन 43. द टोटल वेट ऑफ थर्टीन हंड्रेड फिफ्टी ग्राम ऑफ सुगर एंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी ग्राम ऑफ फ्लोर विल भी डैश देखिए थर्टीन हंड्रेड फिफ्टी ग्राम एंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी ग्राम का टोटल वेट कितना होगा टोटल जब भी क्वेश्चन है का हम क्या करते हैं एडिशन करते हैं एड करिए जीरो 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 फाइव फाइव जीरो फाइव फाइव टेन वन आ गया थ्री वन फोर प्लस सेवन वन 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 टू ट्वेंटी वन हंड्रेड ग्राम यह आंसर है ट्वेंटी वन हंड्रेड टू थाउजेंड वन हंड्रेड ग्राम बच्चों मैं आपको बता दूं कभी कभी देखिए क्या होता है कि ये दोनों देखिए यूनिट सेम नहीं होता है यहां पर लिखा गया होगा वन के जी एंड थ्री फिफ्टी ग्राम लिखा होगा तो पहले आपको सेम यूनिट कर लेना है दोनों को ग्राम कर लेना है ठीक है सेम यूनिट तो फिर उससे क्या होगा आपको एडिशन करना आसान होगा अभी क्या है ट्वेंटी वन हंड्रेड ग्राम ऑप्शन में क्या क्या देखिए इक्वल टू वन के जी लेस देन टू के जी इक्वल टू टू के जी मोर देन टू के जी ट्वेंटी वन हंड्रेड ग्राम का मतलब क्या है 2100 ग्राम यानी 2 के जी वन ग्राम तो ये 2 से ज्यादा है कि कम है ऑब्वियसली ज्यादा है तो ऑप्शन होगा आंसर होगा मोर देन टू के जी डी ओके मोर देन 2 के जी नेक्स्ट वन 44 44 में देखिए क्या है अभी हम जस्ट अ सेकंड ओके सी 44 फोर वॉट इज द नेक्स्ट ट्राइंगुलर नंबर आफ्टर टेन टेन के बाद कौन सा ट्रायंगुलर नंबर आएगा वहाँ देखिए क्या है फर्स्ट में एक है इसमें एक है मैं बस नंबर लिख रहा हूँ एक है फिर थ्री है फिर सिक्स है देखिए आप उसमें सर्कल कर करके भी निकाल सकते हैं जैसे कि देखिए नेक्स्ट में क्या होगा नीचे पहले में वन है फिर टू है थ्री फोर नेक्स्ट में फाइव होंगे ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव फिर यहाँ बनाओ चार फिर यहाँ बनाओ तीन ये भी आप निकाल सकते हैं बस इसमें बहुत टाइम लगेगा क्योंकि देखिए यहाँ दस तक है फिफ्थ नंबर पूछा गया तो ठीक है अगर बहुत देर बाद क्या आएगा ये पूछ लिया तो आपको बहुत बड़ा स्पेस चाहिए बहुत टाइम लगेगा तो उसका ट्रिक क्या है देखिए यहाँ पर कि वन थ्री सिक्स नेक्स्ट में टेन हुआ और ये पूछा गया अब ध्यान से देखिए हम यहाँ पर एक पैटर्न निकालेंगे ठीक है वन में देखिए क्या हुआ है यह प्लस टू हुआ है वन प्लस टू थ्री थ्री में देखिए प्लस थ्री हुआ है तो सिक्स हुआ सिक्स में देखिए प्लस फोर हुआ तो टेन हुआ अभी क्या होगा टू थ्री फोर नेक्स्ट यहाँ प्लस फाइव होगा टेन प्लस फाइव फिफ्टीन सो फटाक से आप लिख देंगे फिफ्टीन आपको इतना सब कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है तुरंत आप निकाल सकते हैं ठीक है बच्चों उसके बाद अगर पूछता तो क्या होता है नेक्स्ट में क्या आता बताइए फिफ्टीन प्लस सिक्स यानी ट्वेंटी वन होता हो सकता है आपको एक और भी पूछ सकता है तो आपको पता होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको पैटर्न ढूंढकर निकालना है तो ऑप्शन कहां पर है फिफ्टीन डी में है फोर्टी फोर का है डी ओके नाउ ओकेश्चन नंबर फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव में क्या है दिस इज द लास्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल व्हिच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोड ऑफ ट्रैवल फॉर गोइंग टू स्कूल यहां देखिए इस टेबल दिया गया लेफ्ट साइड में लिखा गया मोड ऑफ ट्रैवल राइट साइड में नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन से बच्चे कितने बच्चे आते हैं कौन से ट्रैवल में बहुत सिंपल है बस एक आपको डेट, डेटा देकर आंसर देना है वॉकिंग में 125, ट्वेंटी बाईसाइकिल में 85, स्कूटर में 48 एंड बस में 132. सबसे मोस्ट कॉमनली यूज मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा किस में आ रहे हैं बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 132, यानी बस बस में सबसे ज़्यादा आते हैं ऑप्शन कहाँ पर है सी में है तो so 45 का आंसर हो जाएगा सी सो so आप देखिए इसी के साथ हमने अभी 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ठीक है आई uh, होप बच्चों कि आपको जो भी यहाँ ट्रिक बताया गया uh, वो आपको समझ में आ गया इसके आगे हम और भी कुछ सेट्स डिस्कस uh, करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन आप हमसे जुड़े रहिए ठीक है थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स कीप वॉचिंग वीडियो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग